डेविल स्पिरिट, डेविल स्पिरिट, प्लीज कम इन माय डॉल। भाई यार, ऐसी डॉल के साथ सोना कौन पसंद करेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ समरी। तो आप लोगों को भी लगा ना डर? मुझे तो तब से डर लग रहा है जब से ये डॉल मेरे साथ है, और ये बहुत बहुत स्केरी है। तो जैसा कि आपको इस डॉल को देखकर समझ आ ही गया होगा कि आज का चैलेंज क्या होने वाला है, आज मैं रहने वाली हूँ 24 आवर्स के लिए इस हॉन्टेड डॉल के साथ। तो इसके साथ रहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो दिखने में तो बहुत डरावनी है, और अगर मेरे पास इसको रख रखा है ना, मैं मुझे समझ में आ रहा है कि कितना डर लग रहा है इसको देखकर। आप फेस देखो इसका। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे ये डॉल मिली कहाँ से है। तो मैंने ये डॉल अपने भाई से मंगवाई है। उनसे मैंने कहा था कि किसी ऐसी शॉप से लाने जहाँ बहुत ही पुरानी डॉल्स हो, और जो सेकेंड हैंड डॉल्स होती है, जो यूज की हुई होती है और वो रखी हुई होती है, वहां से मंगवाया मैंने ये, और जो कि बहुत ज्यादा सस्ती मिलती है। तो बहुत सारी डॉल्स थी वहां, लेकिन मुझे ये वाली ज्यादा डरावनी लगी। मैंने वीडियो कॉल पे देखा था तो मैंने यही मंगवा लिया। मुझे तो भाई बहुत डरावनी लग रही है। इसको मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ कि ये दिखती कैसी है। तो मेरा चैलेंज अब शुरू हो चुका है और मुझे अब इसके साथ ही रहना है। और मैं सबसे पहले सोच रही हूँ इसको कोई नाम दे देती हूँ, क्योंकि ये जहाँ से भी आई है मुझे इसका पता नहीं कहाँ से आई है, किसके घर से आई है। तो मैं इसको एक नाम दे देती हूँ कि यार इसको नाम से इसको बुलाऊंगी ना। तो डॉल, मैं तुम्हें नाम देना चाहूंगी। 2000 years later. तो डरावनी डॉल, तुम्हारा न्यू नेम है जूलिया, और आज से आप लोग भी इसे जूलिया बुलाना। देखते हैं ये मेरे साथ रहती है या नहीं, इसको क्या होता है, मुझसे प्रॉब्लम होती है, अच्छे से रहती है। तो जूलिया, तुम जहाँ से भी आई हो, मैंने तुम्हारा नाम चेंज कर दिया है आज से। प्लीज जूलिया, मेरे साथ अच्छे से रहना, मुझे बिल्कुल मत डराना। पता नहीं यार ये कौन सी डॉल है, मतलब मैं तो इससे प्यार से बात बात कर रही हूँ यार, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कहीं शापित गुड़िया हो ये, कुछ भी कर दे मेरे साथ। और एक तो बहुत ही अच्छे से रही है, अंदर की बात कौन जाने कि इसका क्या इरादा है, क्या सोच रही है, क्या चल रहा है, क्या करना है इसको। क्योंकि और इसके बालों की जो कटिंग है वो ऐसा लग रहा है किसी ने काटा है खुद से, अपने हाथों से। ये बहुत अजीब कटिंग है, कुछ छोटे बाल कुछ। तो मैं इसके साथ सिर्फ और सिर्फ रहूंगी नहीं, मैं इसके साथ बहुत सारे गेम्स खेलूंगी, जो मैंने सर्च किए थे कि मैं अगर किसी डॉल के साथ रह रही हूँ तो गेम्स खेल सकती। तो वो भी खेलेंगे हम हॉन्टेड गेम्स। सॉरी मैंने मारा इसको, अभी मुझसे इसका बदला ना ले। तो सबसे पहले मैं खेलूंगी चार्ली चार्ली जूलिया के साथ। तो चलो जूलिया, तैयार हो? तो मैं अब डाउनलोड करने वाली हूँ चार्ली चार्ली गेम। तो मैं इसको रख देती हूँ बार बार, इतनी देर तक हाथ में पकड़ के रखू। अरे दूर हो जाओ भाई, खड़ी क्यों नहीं हो रही, बैठ जाओ। पता नहीं क्या होगा यार, बहुत डर लग रहा है मुझे। तो ये डाउनलोड हो रहा है अभी, और जूलिया को मैं इधर बिठा देती हूँ अपने पास। तो ये गेम डाउनलोड हो गया है, और यहाँ पर चाली चाली खरा आ रहा है, और मैंने डॉल को भी बिठा दिया अच्छे से खेल। चार्ली इसके अंदर ही तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यस कैसे आ सकता है यार। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। चार्ली चार्ली कैन यू हियर मी? यार ये तो हर चीज में यस के साथ है, जिसको मतलब ये मुझे सुन रही है। चार्ली इसके अंदर ही है मुझे लग रहा है। चार्ली चार्ली डू यू हेट मी? गेम लिखा रहा है इस पे। आवाज भी आ रही थी बहुत अजीब अजीब सी, ऐसी टाइप की बोलने से। चार्ली चार्ली आर यू गोइंग टू हर्ट मी? मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मुझे डर लग रहा है। अल्लाह, और यार सबसे बड़ी बात तो ये है कि एकदम यार ये ऐसा लग रहा है कि देख रही है हमें। देखो हाँ, इसका फेस मुझे क्यों चेंज लग रहा है पता नहीं। ये देखो ऐसा लग रहा है ना तुम्हें देख रही है। हाँ तो मैं अभी लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ उससे। चार्ली चार्ली कैन यू सी मी? कैन यू सी मी का यस आया है, और ये मुझे देख भी रही है। अब ये नहीं कह सकते यार कि ये उसके अंदर ही है या फिर। मुझे लग रहा है यार मैं नहीं, उसके अंदर नहीं होगी यार, वो अलग डॉल है। लेकिन अलग डॉल नहीं है, चेंज हो रही है इसकी हरकतें, कुछ चेंज नहीं हो रही है। मुझे जिस तरह से देख रही है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ है, और पता नहीं अजीब मुझे कुछ हो रहा है यार। लोग मुझे पागल समझेंगे, लेकिन जब डर लगता है ना तो इंसान इमेजिन भी करने लग जाता है कि ऐसा हो रहा है। मुझे जो लग रहा है ना अभी, मुझे मैं ही जानती हूँ सिर्फ कितनी गंदी लग रही है। तो बस मैंने चाली चाली तो खेल लिया, अब मैं नहीं खेलूंगी यार। इसके आगे मैं जो भी सवाल करूंगी ना वो यस यस आएगा, तो मैं नहीं देख सकती इतना। मुझे
लाइट्स ऑफ बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बहुत मुझे डर लगता है, मैं खुद भी नहीं करती घर में। और आज के तो पूरे चैलेंज में लाइट्स ऑफ रहेंगे यार, की वजह से करना पड़ रहा है सब मुझे। लेकिन इस पर गुस्सा भी नहीं निकाल सकती, कहीं मुझसे बदला ना ले। लेकिन ना मैं भी इसको दिखा देती हूँ कि मैं भी भूत हूँ, समझ गई? जूलिया देखो देखो, मैं भी तुम्हारी तरह एक चुड़ैल हूँ। जूलिया तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जूलिया तो इसको मैं छोड़ देती हूँ, मुझे लगता कि ये बोलने वाली है, और जब इसका मन होगा तो ये खुद बोलेगी। और सॉरी मैं, और सॉरी मैंने तुम्हें मारा दो तीन बार। तो यार तुम मेरे साथ ही तो रहोगी ना, मैं तुम्हें थोड़ा मार वार तो सकती हूँ। और वैसे ही बहुत क्यूट है लेकिन डरावनी हद से ज्यादा है। तो अब मैं अपने लिए कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ, और जूलिया तुम्हारे लिए भी लाऊंगी। ओके तुम अभी यहाँ पर ना बैठ जाओ थोड़ा, ठीक है? जब बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पहले मैं जाकर वीडियो चेक कर लेती हूँ कि मतलब मैंने रिकॉर्डिंग लगा रखी थी वो देख लेती हूँ, वरना मैं अगर कुछ हुआ ना मैं इसको रखूंगी नहीं फिर। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं था, शायद हो सकता है एसी की हवा से गिरी है, या तो ये जो खड़ी नहीं हो पाती है ज्यादा सही से, मैंने देखा है अभी जैसे ये अभी खड़ी है ना ऐसे रखूंगा तो गिर ही जाती है, खुद से गिर गई होगी शायद। लेकिन बहुत बुरा गिरी और इसके अंदर जाकर मिली मुझे, बहुत ही शॉक्ड हो गई मैं तो, कि मैं छोड़कर इसको ऐसे गिर मिल रही मुझे ऐसे, आप में से कोई भी हो जाएगा शॉक कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलो अब मैं अपना कोकोनट वाटर पी लेती हूँ और इसमें इसको पिलाऊंगी। जो भी मैं खाऊंगी जो भी मैं पीऊंगी वो जूलिया को जरूर खिलाऊंगी, क्योंकि जूलिया मुझसे नाराज ना हो जाए कि मुझे नहीं खिलाया। मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ, इस टाइम पे अभी ये जो अभी आप देख रहे हो इस टाइम पे मेरे साथ अभी कोई भी नहीं है यहाँ पर सिवाय इस जूलिया के। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे तो हूँ ही, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी डॉल जूलिया भी वहाँ पर आ जाए और मैं उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी सबसे। तो चलो आप रील्स बनाते हैं और इंस्टाग्राम पे लाते हैं हमारी जूलिया को, तो जूलिया 142। तो चलो आते रील्स। तो जूलिया तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग ये है ना? यार मुझे लग रही है इसकी आंखें ब्लिंक हो रही है, ये सिर्फ मुझे लग रहा है मैं पागल हो रही हूँ इसके साथ रह रहकर। इसका एक हाथ पीछे क्यों है? यार ये क्यों, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ क्यों कर रही है? चलो रील्स बनाते हैं। लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मैं थोड़ी रिंग लाइट में लाइट देती हूँ। रील्स तो बना ली इसके साथ और इसको ज्यादा कुछ मजा नहीं आया, हो सकता आया भी हो इसने मुझे बताया नहीं वैसे कुछ भी। और अगर आप लोग ये वाली रील्स देखना चाहते हो तो जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आपको आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी samreenali142। तो जल्दी ले जाओ और फॉलो करो। जैसा कि मैं कर रही हूँ ये हॉन्टेड चैलेंज, मतलब इसके साथ मुझे रहना है, तो मुझे आज मूवी भी देखनी होगी हॉन्टेड ही, और मैं देखने वाली हूँ एनाबेल क्योंकि। तो चलो फिर देख लेते हैं, वैसे मैं ज्यादा हॉरर मूवीज नहीं देखती हूँ बट आज तो देखना होगा ना। यार वहां पर कोई है भी नहीं और वो सुनाई दे रही आवाज, सिर्फ डॉल है। मुझे डर लग रही है। और आज रात के 3 बजे मैं जूलिया के साथ एक गेम खेलने वाली हूँ, हॉन्टेड गेम, जो सिर्फ और सिर्फ डॉल्स के साथ खेल सकते हैं हम, हॉन्टेड डॉल के साथ वो खेलेंगे हम आज। तो मैंने मूवी देख ली है अभी और मूवी मुझे ओके लगी, मुझे नहीं इतनी पसंद है हॉरर मूवीज तो मैं देखना पसंद नहीं करती हूँ, बट आज मुझे देखना पड़ा क्योंकि आज का चैलेंज ही ऐसा। अब मैं सोची अब मैं क्या करूँ, 24 आवर्स का चैलेंज है, मुझे ऑल टाइम इस डॉल के साथ ही रहना है, जो थोड़ा आराम कर लेती हूँ लेट जाती हूँ, तो आज मुझे और कुछ काम है नहीं। चलो इसको भी लिटा देते हैं, जूलिया मैडम भी थक गई होंगी हमारे साथ ये खेल खेलते हुए। क्यों जूलिया मैडम? भाई यार ऐसी डॉल के साथ सोना कौन पसंद करेगा, खौफनाक रात होगी उसी, तो मैं कैसे सो जाऊंगा? अल्लाह ये भी सोना भी एक टास्क है मेरे लिए। तो अब मैं सोची कि मैं जूलिया के साथ चली जाती हूँ बालकनी में और थोड़ा वहाँ पर बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर सर में दर्द हो रहा है, मतलब लाइट्स ऑफ है ना तो बहुत अजीब सा हो रहा है मुझे कुछ, तो यहाँ पर से मुझे जाना है। चलो जूलिया। तो मैं आ गई हूँ बालकनी में अभी यहाँ पर और मैं इसको भी लेकर आई हूँ। यार तुम बाल क्यों खराब रखती हो तुम हर वक्त अपने, कहीं से रहो थोड़ी। तो बाहर बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उन लोगों को ऐसे दिखाती हूँ बालकनी से ऐसे इसको डॉल को, देखते वो लोग डरते हैं नहीं। मैं खुद को नहीं दिखाऊंगी, बस डॉल को ऐसे कर दूंगी।
तो बहुत ही भीड़ बच्चे हैं, लोगों का कोई रिएक्शन नहीं आया क्योंकि इन लोगों ने देखा ही नहीं ऊपर। ये लोग नीचे देख रहे तो नीचे ही देख रहे, ऊपर बिल्कुल नहीं देखा। कोई बात नहीं डॉल, तुम खुश रहो, तुम्हें देखकर कुछ लोग डरे नहीं। तो चलो अब इसको भी मैं झूला झुला देती हूँ यहाँ पर ऐसे बिठाकर। तो यार ये तो बैठती नहीं है। चलो इतनी देर की बात से अभी मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ। चलो मेरे व्यूअर्स को हाय तो कर लो एक बार। ये ऐसे क्यों कर रही हो, इसको सही से रखो ना। हाँ हाय बोलो। तो चलिए देखते हैं जोर से। तो अब मेरे पास कुछ है नहीं इस डॉल के साथ करने के लिए, तो मैं अब आपको क्या दिखाऊं, मैंने बहुत कुछ दिखा दिया। तो अब मैं आपको मिलूंगी रात को, और रात को मैं खेलने वाली हूँ इसके साथ एक हॉन्टेड गेम, जिस गेम में लिखा हुआ है कि हम किसी भी डॉल के अंदर डेविल स्पिरिट ला सकते हैं खुद से। तो बहुत ही डरावना होगा ये, तो जरूर देखना। अब मैं आपको मिलती हूँ रात को। लेट है। तो अभी बज गए हैं 3, रात के 3, और मैं आ गई हूँ यहाँ पर, और मैं सोई नहीं थी तब तक, और इस डॉल के साथ ही थी। तो अब मुझे ये गेम खेलना है जिसमें हम डॉल के अंदर ला सकते हैं एक डेविल स्पिरिट। तो उसमें लिखा हुआ था हमें चाहिए 2 candles, तो मैं लेकर आ गई हूँ यहाँ पर, मैंने रख भी दिया है। और उसमें ये लिखा हुआ था कि जो भी हमारी डॉल है उसको हाथ में लेकर मिरर के सामने बिल्कुल रहना है ऐसे। और ये भी लिखा हुआ था कि कोई भी इंसान, कोई भी पेट, कुछ भी इस रूम में ना हो आपके और डॉल के अलावा। जो वीडियो मैं कर रही हूँ मेरी, इसको बोलने में भी हालत खराब हो रही, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पीछे से कोई आ जाएगा वरना आगे से आ जाएगा। मतलब कोई, मैं बता नहीं सकती मुझे लग कैसा रहा है अभी। बस आप लोगों की रिक्वेस्ट थी इसलिए मैं कर रही हूँ, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें बिल्कुल भी नहीं। मुझे डर के अलावा कुछ लगता ही नहीं है। प्लीज यार प्लीज इस वीडियो को लाइक करके ही जाना। तो चलो अभी गेम शुरू करते हैं। तो हमें डेविल स्पिरिट को इसमें लाने के लिए 3 बार बोलना है, डेविल स्पिरिट प्लीज कम इन माई डॉल, devil spirit, please come in my doll। ये कैसे हुआ? ये ऐसे कैसे है यार? इसकी गर्दन तो टेढ़ी कैसे हो गई? मुझे लग रहा है ये सब मेरा वहम है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा सोच लिया और मैं इसके साथ हूँ तब से, और अल्लाह करे ये वहम ही हो यार, मुझे नहीं चाहिए कुछ ऐसा सच में हो। अब नहीं होगा मुझसे, ये हो क्या रहा है यार, कोई तो आ जाओ। मैं रुक जाओ, भी किसी को तो बुलाती हूँ, मुझसे नहीं रहा जाएगा यहाँ पर। उसकी गर्दन कैसे है टेढ़ी? कैसे तुम्हारे पास, अब सीधी कैसे हो गई? तो अब ये चैलेंज मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं अब थोड़ी देर और भी ये चैलेंज नहीं कर सकती हूँ, मुझसे नहीं होगा यार, सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगी। और मेरी रात की नींद उड़ गई है अब बिल्कुल अच्छे से। मैं बस अब इस डॉल को अपने पास बिल्कुल भी नहीं देखूंगी, इसको मैं नहीं रखूंगी अपने पास अब। मुझे लगता है कि ये सब फेक होता है, बस ऐसे बोलने की बातें होती हैं, पर आप लोग बिलीव मत किया करो इन चीजों पर, मैं नहीं करती हूँ। बस ये कि मुझे थोड़ा बहुत डर लगा, ज्यादा मैं वैसे डरती नहीं हूँ, बहुत ज्यादा निडर हूँ मैं। तो बस यहीं पर खत्म होती है वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिए, आपको आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि यार हॉन्टेड डॉल के लिए 1 लाइक तो बनता है ना। तो अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।